नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास। आज हम सभी जानते हैं कंटोला के फायदे और उसके नुकसान के बारे में। कंटोला एक सब्जी है जो आमतौर पर मानसून के मौसम में पाई जाती है। इसमें कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं और यही वजह है कि भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा अब इसकी खेती दुनिया भर में शुरू कर दी गई है। काकरोल, कांकरो इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। इसके मुख्य रूप से भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में खेती की जाती है। इसकी बेल का जीवन काल 3 से 4 महीने का होता है। कंटोला का वनस्पति नाम मुरमुडका चरणशिया है, जो कुकुर विदेशी यात्री का पौधा है। अंग्रेजी में इसे स्पाइनी गार्ड या टीजल गार्ड कहा जाता है। कंटोला देखने में करेले के समान होता है, लेकिन यह साइज में करेले से छोटा होता है। इसकी बेल धीरे धीरे बढ़ती है। आइए जानते हैं हम सभी इसके फायदों के बारे में। मुख्यतः आप सभी देखा होगा जंगलों में, खेतों में मुख्यतः यह आसानी से देखने को मिल जाता है। यह पचने में हल्का होता है, यानी कि आप यदि इसका सेवन करते हैं तो यह आसानी से पच जाता है, सुपाच्य होता है। इसे विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के लिए दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें विभिन्न रासायनिक यौगिक होते हैं जो मानव शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। कंटोला कैलोरीज में कम होता है, क्योंकि प्रति 100 ग्राम में केवल 17 कैलोरीज होती है। फाइबर, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट जैसे विभिन्न पोषक तत्वों से भरा हुआ होता है। आइए जानते हैं आज हम सभी इसके स्वास्थ्य लाभों के बारे में। सबसे पहले तो कंटोला के फायदे प्रेगनेंसी में उपयोगी होते हैं। जी हाँ, गर्भावस्था के दौरान कई महत्वपूर्ण स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं। उनमें से एक समस्या है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। कंटोला की ताजा हरी फली फॉलेट विटामिन बी सी का एक अच्छा स्रोत होता है, जो कोशिकाओं के विकास और प्रजनन के लिए आवश्यक होता है। यदि गर्भवती महिलाएं गर्भावस्था के दौरान अपने भोजन में कंटोला को शामिल करती हैं, तो यह न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होने के संभावना को कम कर देता है या खत्म कर देता है। इसके अलावा ये कैंसर के उपचार में भी काफी लाभकारी होता है। कैंसर के कारणों में से एक है हमारे शरीर में अत्यधिक विषाक्त मुक्त कणों की मौजूदगी होना। कद्दू की ताजी हरी फली विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत होते हैं, जो स्वयं में एक बहुत ही अच्छी प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट होती है। कैंसर की संभावना को कम करने के लिए विटामिन सी हमारे शरीर से अधिक विषैले पदार्थों को मुक्त कणों को बेअसर करता है। इसी की बदौलत आप कैंसर जैसी बीमारियों से भी बचे रहते हैं, अगर कंटोला का सेवन करते हैं। इसके अलावा यह स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होता है। कंटोला में बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन, ल्यूटिन और जैक्सिंथिन जैसे फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं। यह सभी यौगिक आपकी बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। यह आपकी त्वचा को स्वस्थ रखने में भी आपकी सहायता करता है। इसके अलावा यह विभिन्न प्रकार के त्वचा रोगों से भी शरीर को स्वस्थ रखता है। इसी के साथ साथ यह आंखों के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है, दृष्टि में सुधार लाता है। इसमें विटामिन ए भी पाया जाता है, जो कि अच्छी दृष्टि यानी नजर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। आप अपनी दृष्टि में सुधार करने के लिए इसे अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। इसका सेवन आपकी आँखों के साथ साथ आपके शरीर के लिए भी काफी लाभदायक होता है। कुछ मिनटों के लिए पानी में कंटोला के पत्ते उबाल लीजिए। कंटोला के पेल के पानी में 1 टीस्पून कच्चा शहद मिलाइए और इसका सेवन कीजिए। वायरल बुखार के इलाज के लिए आप इस मिश्र को पी सकते हैं। यह बहुत ही लाभकारी औषधि है। इसके अलावा यदि किसी को बवासीर हो तो बवासीर की बीमारी में आप बवासीर से राहत पाने के लिए औषधीय रूप में कंटोला का प्रयोग कर सकते हैं। कंटोला का पाउडर तैयार करें। बवासीर का इलाज करने के लिए एक दिन में 2 बार 5 ग्राम का कंटोला पाउडर और 5 ग्राम चीनी को मिक्स करके सेवन कीजिए, आपको अवश्य लाभ होगा। दोस्तों, इसी के साथ साथ यदि किसी को खांसी की समस्या है तो खांसी एक आम समस्या है, जो अचानक बदली हुई जलवायु और वायरस और बैक्टीरिया के कारण बच्चों और वयस्कों में देखी जाती है। यदि आप खांसी से पीड़ित हैं, तो आप खांसी को नियंत्रित करने के लिए पानी के साथ एक दिन में 3 बार कंटोला पाउडर ले सकते हैं। कोहरे और वायु प्रदूषण के कारण सांस लेने से समस्या तेजी से बढ़ रही है। सांस की समस्याओं का इलाज कराने के लिए आप इसका सेवन कर सकते हैं। आप 250 से 500 मिलीग्राम कंटोला रू पाउडर को 1 चम्मच अदरक का रस और 1 बड़ा चम्मच शहद मिलाकर के सेवन करें। इससे किसी भी तरह की श्वास लेने की समस्या में तुरंत आपको राहत मिलती है। इसके अलावा स्टोन के ट्रीटमेंट में भी काफी कारगर होता है ये। यदि कोई व्यक्ति गुर्दे की पथरी से पीड़ित है तो वह कंटोला का प्रयोग करके गुर्दे की पथरी से राहत पा सकता है। 1 गिलास दूध या पानी में 10 ग्राम कंटोला पाउडर मिलाइए और गुर्दे और
मूत्राशय की पथरी को निकालने के लिए रोजाना पीजिए, आपको लाभ होगा। इसके अलावा ये पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। इसमें फाइबर होता है जो पाचन को उत्तेजित करने में काफी मदद करता है। यह अपच और कब्ज की समस्या का भी इलाज करने में काफी मदद करता है। इसीलिए यदि आप अपना पाचन बेहतर करना चाहते हैं तो कंटोला का सेवन शुरू कर दीजिए। इसी के साथ साथ ये हाइपर हाइड्रोसिस से भी आपको राहत दिलाता है। अगर आपको अधिक पसीना आने की समस्या से शर्म महसूस हो रहा है तो आप हाइपर हाइड्रोसिस से राहत पाने के लिए कंटोला का प्रयोग कर सकते हैं। कंटोला पाउडर के साथ स्नान करें, इसे प्राकृतिक स्क्रब के रूप में प्रयोग करें। इससे अतिरिक्त खराब गंध और पसीना आना भी बंद हो जाएगा। इसके अलावा इससे चिकनी त्वचा भी मिल जाएगी। इसी के साथ साथ इतने फायदों के साथ साथ नुकसान भी होता है कुछ कंटोला का। आइए जान लेते हैं इसके नुकसानों के बारे में। कंटोला आपके पाचन तंत्र को खराब कर सकता है, खास करके अगर आप बहुत अधिक मात्रा में कंटोला के रस का सेवन करते हैं तो। आपको पेट दर्द या दस्त का अनुरोध हो सकता है। 2 से 3 दिनों तक यदि रहता है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। इसका प्रभाव रक्त शर्करा के स्तर को कम कर देता है, जो अनियंत्रित मधुमेह वाले लोगों के लिए संभावित रूप से फायदेमंद हो सकता है। जो लोग निम्न रक्त शर्करा की समस्या से ग्रस्त हैं, उनके लिए इसका सेवन अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इसके सेवन से ब्लड शुगर का लेवल कम हो जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी या स्तनपान के दौरान इसका सेवन करने से आप अपने डॉक्टर से अवश्य संपर्क करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो एक नए टिप के साथ। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।